doing good. Myself Abhishek Shanu and welcome to Abhishek Shanu vlogs. So it's 5 o'clock in the morning और आज संडे है इसलिए मुझे उठने में थोड़ी सी देर हो गई है। और आज मेरा 2 टेस्ट है, एक रिविजन टेस्ट है बायो का और एक मेरा बैकलॉग वाला है। तो आज कोई लेक्चर नहीं है इसकी वजह से मैं दोनों टेस्ट में आज के दिन दूंगा, एक रिविजन वाला और एक बैकलॉग वाला। तो पहले बैकलॉग वाला दे देते हैं, फिर रिविजन वाला जो है टेस्ट बाद में देंगे। तो अभी पहले सबसे पहले हम टेस्ट देंगे। इट्स लास्ट 15 मिनट्स और मेरा टेस्ट हो गया है, मतलब कंप्लीट कर लिया मैंने। रिव्यू के लिए कुछ बचा हुआ है तो मैं उसे एक बार देख लेता हूँ। मतलब सुबह से इतना बनाना बोर हो गया हूँ, तो एक बार तो मैंने कर लिया है। पता नहीं स्कोर का ये छुटा हुआ है क्या, अभी तो छुटा हुआ था वो छूट जाता, मैं इसे कर लेता हूँ फटाफट से। तो अगर मैं अभी रिव्यू नहीं करता तो ये सारे क्वेश्चन छूट गए थे। तो अच्छा है कि टाइम मेरे पास है अभी, थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ फटाफट से। अच्छा हो गया, मतलब सारा हो गया। 1-2 को मैंने छोड़ा था, ये क्या था एप्लोडिप्लोटिक, ये वाला मैं याद नहीं आ रहा है। एप्लोडिप्लोटिक वाले में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। फिर भी मैं लगा देता हूँ ये कोई सॉन्ग छोड़ देगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हो गया ना, अब तो नहीं बचा हुआ है सारा, सारा मैंने कर लिया। जूलॉजी केमिस्ट्री कर देता हूँ सबमिट, कर दूँ सबमिट कर देता हूँ। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या रिजल्ट होगा। ओह माय गॉड, 3602 और रैंक का तो मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अभी 16,000 स्टूडेंट दे रहे हैं। रैंक भी मतलब फिर भी बहुत कम है। 602 में 650 एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ गलती हो गई है। सबसे ज़्यादा गलत तो मुझे केमिस्ट्री में लग रहा है, केमिस्ट्री में, फिर बॉटनी में भी गलती हो गई है। फिजिक्स का तो मतलब होना ही था, इसमें भी 10-10 नंबर कट गए, बॉटनी में तो 20 नंबर कट गए। फाइनली माई टेस्ट इज ओवर ना और इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होता है। तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा था लेकिन उतना नहीं, पता नहीं क्या गलती हो गई। सिली मिस्टेक में लगता है मेरे से ज़्यादा हुई है सिली मिस्टेक। बाद मैंने गया था कटिंग कराने, मैं कटिंग करा लिया हूँ। उसके बाद मैं फ्रेश भी हो गया हूँ। अभी चलते हैं मेस के लिए, उसके बाद आते हैं एक और दूसरा टेस्ट दे रहे हैं ना, तो वो देंगे। पहले अभी लंच करके आते हैं, लेट्स गो। तो हमारे खाने में है चावल, दाल, सब्जी, रोटी, सलाद और रायता है, और दही के साथ साथ जो है पुदीना की चटनी भी है। माई लंच इज ओवर नाउ और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। तो अभी हम चलते हैं, एक जो हमारा टेस्ट है रिविजन टेस्ट नंबर 2 वो हम देते हैं और उसके बाद बात करेंगे आपसे। पे मेरा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 59 मिनट, मतलब पूरे 1 घंटे का। मेरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे 13 मिनट बचा हुआ है तो सबमिट कर दे। क्या नॉट आंसर 1, नॉट विजिटेड। एक मिनट, ये क्या हो गया? कौन सा आंसर नहीं दिया मैंने? अच्छा ये वाला क्या ग्रुप मेरा कौन सा प्रॉब्लम ग्रुप होगा? यू बैक्टीरिया ना, साइन आर की ऑल ऑफ दीज डाइकेरियोन एंड डाइकेरियोफेज इज इन द केस ऑफ डाइकेरियोन और डाइकेरियोफेज होगा। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियो फाइको में तो नहीं होता, दोनों में होता है। उसको हो गया सारा, कोई बचा तो नहीं। 100 में क्या नहीं लगा क्या? तो यहाँ मेरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है तो सबमिट कर देते हैं। डर सा लग रहा है यार, पता नहीं 100% के पेपर कर लिया है तो मदद कर दे क्या यार। अभी भी टाइम है 12 मिनट, चलो कर देता हूँ। ओ 2 क्वेश्चन गलत हो गए। अरे 2 क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ? 319 अभी 19.6 अभी तो मतलब बाकी है और 2 कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया? 48 मिनट लगा, 100% कम्प्लीट 98%। तो मेरा 2 गलत कौन सा हुआ है ये मुझे देखना पड़ेगा, वो मैं बाद में देख लूँगा। तो फाइनली मेरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और स्कोर 390 अच्छा स्कोर है, लेकिन मैं 400 एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये 11th का पूरा बोटनी का है तो इसीलिए मैं बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो मतलब 2019 से पढ़ रहा हूँ, 20 हो गया, 21 हो गया, तो 22 से पढ़ रहा हूँ। मतलब 1 साल में ड्रॉप ले चुका हूँ ना, तो इसीलिए। तो आई होप कि आगे थोड़ा सा और मार्क इंप्रूव हो जाए। 11th तो मुझे पूरी तरह आती है बहुत अच्छे से, 11th में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 12th में थोड़ा बहुत फिजिक्स में 11th में भी थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना 12th में है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपना मार्क्स सभी कमेंट करके बताना आपको किसको कितना है। और कम भी आए तो डिप्रेस होने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाते हैं। मैं मेरे भी शुरू में जो है ना बहुत कम नंबर आते थे, तो मतलब मेरे तो हालत ख़राब, कितना कम क्या पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे ना इम्प्रूव हो गए। तो आपसे मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। ओके।